आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बैठक हुई। क्राउन प्रिंस भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वे 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस की भेंट के बाद भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के साझा संबंधों को खास तौर पर रेखांकित किया। सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। गौरतलब है कि भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने वाले सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $52 बिलियन से अधिक का था।